अपने घर को सजाने के लिए ना जाने लोग क्या क्या करते हैं। लोग अक्सर नए नए डिजाइन और नए तरीकों को आजमाते हैं। तो भाई पंजाब में जलंधर के गांव के लोगों ने कुछ ऐसा ही किया कि उनके घरों को देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। हम सभी जानते हैं कि घरों में पानी की स्टोरेज के लिए छत पर टंकी रखी जाती है जो प्लास्टिक, स्टील या अन्य किसी चीज की बनी होती है। उनका समान आकार सिलेंडर के आकार का होता है, कई बार इसका आकार चकोर भी हो सकता है, लेकिन पानी स्टोरेज के लिए हवाई जहाज या कमल के फूल के आकार की टंकी बनवाना बेहद ही दिलचस्प है। जी हाँ, जलंधर का उप्पल गांव पानी की टंकियों के अलग अलग डिजाइन को देकर चर्चा में बना हुआ है। यहाँ लोगों ने घरों की छत पर बनने वाली टंकियों को एयर इंडिया के प्लेन, कमल के फूल, शिप के आकार में डिजाइन करवाया है। वहीं कई लोगों ने पानी की टंकियों के लिए शेर और घोड़े व अन्य कई चीजों को चुना है। आपको बता दें, पंजाब के इस गांव में हर घर पर एक अलग पानी की टंकी बनी हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि ये गांव पंजाब के जलंधर के पास स्थित उप्पल गांव है, जिसको टंकियों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सभी घरों की पहचान घरों पर बनी पानी की टंकियों से की जाती है। इस गांव की छतों पर कोई साधारण पानी की टंकी नहीं, बल्कि कई तरह की टंकियां हैं, जैसे हवाई जहाज, घोड़े, गुलाब, कार, बस आदि अनेक आकारों की टंकियां आपको दिखाई देंगी। अगर किसी की छत पर आर्मी का टैंक दिख जाए तो समझिए उस घर का कोई ना कोई सदस्य आर्मी में है। अगर आपको छत पर प्लेन दिखे तो समझिए उस घर के लोग NRI हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए विदेशों में बस गए हैं। गांव में खास तौर पर NRI की कोठियों की छत पर इस तरह की टंकियां बनाई गई हैं। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी शुरुआत करीब 70 साल पहले हांगकांग जाने वाले तरसेम सिंह ने की थी। अपनी कोठी के ऊपर उन्होंने जहाज के आकार की टंकी बनवाई, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। और अब तो यहाँ आपको करीब 200 से अधिक कोठियों में अलग अलग तरीकों की टंकियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहे सनराइज न्यूज़। धन्यवाद।